भीमताल से पदमपुरी जाने वाले रास्ते पर एक ऐसी जगह थी जहां रहस्यमय रूप से गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते थे। इन एक्सीडेंट का कारण कोई भी समझ नहीं पाता था। 1980 से लेकर 1995 तक यहां काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट को रिकॉर्ड किया गया और बाद में यहां के लोगों ने एक ऐसे स्पॉट को टारगेट किया जहां एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तब यहां 1990 के समय में सैम देवता के मंदिर को स्थापित किया गया जिसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस मंदिर की यहां स्थापना करने के बाद फिर इस रोड में कभी एक्सीडेंट जैसी घटनाएं सामने नहीं आई क्योंकि लोगों का यह मानना था कि सैम देवता यहां लोगों की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों यह जगह भीमताल से लगभग 10 किलोमीटर आगे खुटानी तो चाफी या पदमपुरी वाली रोड पर स्थित है। पुराने समय में रहने वाले लोगों ने इस स्थान पर रहस्यमय रूप से होने वाले एक्सीडेंट की उन दो कहानियों को बताया है जिन दो कहानियों को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी में इस जगह को परियों द्वारा किए जाने वाले एक्सीडेंट को बताते हैं। कहते थे कि यहाँ गाड़ियों का एक्सीडेंट परियां कराती थी और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की लोकेशन से परीताल नज़र आता है। तब लोगों का कहना था कि परियां परीताल से यहाँ आकर लोगों का एक्सीडेंट करवाती है ताकि वे अपने साम्राज्य में लोगों की संख्या बढ़ा सके। इस लोकेशन में जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आसपास के नेचर को देखकर आपको लगेगा भी कि यह जगह कुछ अलग लगती है। ऐसा लगता है कि यह जगह परियों की है जहाँ हम इंसानों का हस्तक्षेप हो गया है। इस लोकेशन का व्यू और खैट पर्वत का व्यू बिल्कुल सेम नज़र आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खैट पर्वत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि खैट पर्वत में परियों का निवास माना जाता है जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी की जा चुकी है। खैट पर्वत के बारे में जानने के लिए आप मेरी इन दो वीडियोस को देख लीजिएगा। दूसरी कहानी में यह बताते हैं कि यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो लोगों की मौत का कारण बन जाती थी, इसीलिए यहाँ सैम देवता का मंदिर स्थापित किया गया जिसे अभी आप देख रहे हैं। यह मंदिर दिखने में काफ़ी रहस्यमय लगता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं सैम देवता इसके अंदर रहकर लोगों की यहाँ रक्षा करते हों। आज भी यहाँ से गुजरने वाले लोकल के ड्राइवर इस मंदिर के सामने आकर इसके दर्शन करके आगे की ओर चल देते हैं। यह मंदिर रात के समय और भी रहस्यमय लगता है। तब इस मंदिर को दो चैनल गेट से बंद किया जाता है। मंदिर के अंदर अन्य भगवानों की तरह मूर्तियां तो काफ़ी कम हैं, लेकिन एक शिवलिंग जैसा पत्थर यहां जरूर रखा गया है। इस मंदिर के पुजारी यहां आकर जरूर बैठते होंगे, तभी यहां बैठने का आसन भी बनाया गया है। अब दोस्तों 1980 से लेकर 1990 की यह घटना वास्तव में सच भी है या नहीं, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन तो सिर्फ इतना था कि यहाँ पुराने समय से रहने वाले लोगों ने जिन कहानियों का जिक्र किया है, तो मेरा उद्देश्य उन कहानियों को सिर्फ आप लोगों तक कन्वे करने तक का है। आज चाफी गांव में परीताल का रहस्य जितना मिस्टीरियस है, उतना ही उस समय लोगों को यह जगह उतनी ही मिस्टीरियस लगती थी। लेकिन रोडों के किनारे मंदिरों का निर्माण करना देवभूमि उत्तराखंड की अपनी एक विशेष बात है। ऐसे ही नैनीताल और उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।